कभी कभी क्या होता है ना कि हमें नज़र लग जाती है, बुरे लोगों की ही नहीं अच्छे लोगों की भी नज़र हमें लगती है। अगर आपको किसी ने कह दिया ना कि आपके पैर बहुत सुंदर हैं, वैसे मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं पैर बहुत सुंदर है, आपकी पायल बहुत अच्छी लग रही है, आपका चेहरा बहुत अच्छा लगा, आपका चेहरा भले ही सांवला है लेकिन आप बहुत सुंदर लगती हैं, तो इस तरह के कमेंट्स लोग करते हैं, आपका फिगर बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं काफ़ी लंबी हूँ इसलिए मुझे बहुत सारे लोग ऐसे कहते भी हैं कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। थोड़ा सा मेरा जैसे कि बच्चे होने के बाद मेरा पेट निकल गया है, बस वही मेरे अंदर एक कमी है, बाकी मेरी लंबाई और बाकी सब तरह से मैं अच्छी हूँ। और इसी वजह से मुझे काफ़ी लोग नज़र भी लगा देते हैं कि भाई तुम बहुत सुंदर लग रही हो, सांवली हो लेकिन तुम्हारा फेस का कटिंग अच्छा है, पैर बहुत अच्छे हैं, वीडियो बनाती हो, पैर इतना सुंदर है, कमा रही हो, इतने लोग नज़र लगाने वाले हैं कि मैं क्या बताऊँ। बस यही सब सोच के मैं सोची चलो अपने पैरों में काला धागा बांध लूँ। मीशो से मंगवाई थी, 5 तरह के डिज़ाइन आए थे जिसमें से कि मैं वीडियो डाल चुकी हूँ इसका 5 डिज़ाइन वाले साथ में एक साथ, और एक मुझे जो पसंद आया वो आज मैं पहन कर दिखा रही हूँ। उसमें मैं तो आपको ऐसे ही लपेट कर दिखा देती, इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि पहन कैसे रही हूँ। तो देखिए पैरों में बांध करके उसको जब गांठ बांध ले रही हूँ ना, तो उसके बाद किनारा काट दी और जो पूंछ निकला हुआ है ना उसको इस तरह से अगरबत्ती से उसको थोड़ा थोड़ा पिघला करके उसको चिपका दे रही हूँ दोनों, या फिर अलग अलग भी रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खुलेगा नहीं। और इस तरह से क्या है ना कि आप बुरी नज़र से बच सकते हैं। अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो भी आप इसको पहन सकते हैं, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां पहनती हैं। केवल नज़र लगना ही काफ़ी नहीं होता है, बहुत से लोग सुंदरता की दृष्टि से भी पैरों में काला धागा पहनते हैं। चाहे जो भी हो, आप सुंदरता के लिए पहने चाहे ऐसे पहने, ये ज़रूरी नहीं है कि केवल औरतें ही पहनती हैं, लड़कियाँ ही पहनती हैं। आप चाहे तो आपके घर में अगर छोटे मोटे बच्चे भी हैं ना, लड़कियाँ हैं चाहे लड़के हैं, तो भी आप उसको काला धागा पहना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चे और लड़कियां महिलाएं ही पहने, आप अगर पुरुष हैं तो भी आप काला धागा पहन सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो काला धागा आप पहन सकते हैं। इससे आपका पैर वगैरह दर्द नहीं होगा, पैर बहुत थरथराता है, किसी का तड़तड़ाता है, दर्द होता है, तो ऐसे में भी आप काला धागा पहन सकते हैं। बहुत से लोग पहनते हैं और विश्वास भी है कि काला धागा पैरों में पहनना चाहिए। देखिए बुरी नज़र क्या होता है ना कि केवल बुरे लोगों की ही बुरी नज़र नहीं लगती है, बहुत से अच्छे लोग भी हैं ना जो अगर आपको देख ले एक बार कि अरे इसने कितनी सुंदर हाथों में चूड़ियाँ पहनी है, कितनी सुंदर ये ऊपर से नीचे लग रही है, इसका बच्चा कितना सुंदर लग रहा है, तो क्या है ना अच्छे लोगों की भी नज़र लग जाती है। कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है ना कि बच्चों को माँ बाप की भी नज़र लगती है। अगर आपके बच्चे हैं, आपकी बेटी या बेटा है, बहुत सुंदर लग रहा है, कभी कपड़े वगैरह पहन लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं नए नए कपड़े पहनने के बाद, तो लोग काला टीका लगाते हैं या फिर काला धागा बांधते हैं कि ताकि बच्चे को नज़र ना लगे, तो अपने लोगों की भी नज़र लगती है। तो ऐसा नहीं है, मैं किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, अच्छे लोगों की भी नज़र, यहाँ तक कि जो इंसान नज़र लगा रहा है ना उसको भी नहीं मालूम होता कि मेरी वजह से उस इंसान को नज़र लग गई है, तो ऐसा कई बार होता है। तो ये ज़्यादा नहीं सोचना है कि उसने नज़र लगा दी उसने नज़र लगा दी, बट आपको क्या करना है, आपको अपना ख्याल रखना है, दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम डालने से पहले बस अपने पैरों में काला धागा पहनिए, बुरी नज़र से आप बच जाइए। ये डिज़ाइन मुझे पसंद आया, मैं इसको पहन ली, लॉक कर दी, ठीक है। अभी एक और डिज़ाइन जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे लगा कि मैं अपनी बेटी को पहनाऊँ, तो ये हाथी वाला डिज़ाइन है जो मैं अपनी बेटी को पहना रही हूँ। इस तरह से रस्सी को लॉक करना है, एक तरफ से ना पूरा गोल रस्सी है, डिज़ाइन है, और उसके बाद ये छोर है, तो इस तरह से टाइट करके बांध रही हूँ, और इसी को फिर अगरबत्ती से थोड़ा थोड़ा ऐसे कर करके लगा लगा के गर्म करते करते उसको पिघला के उसको एक जगह चिपका दूँगी। तो इस तरह से ये हो जा रहा है। तो इस तरह से आप, जैसे मेरी बेटी अभी 3 नवंबर को 4 साल की हो जाएगी, तो उसका देखिए उसके पैरों में मैं थोड़ा सा ढीला बांधी हूँ, ताकि ये लंबे समय तक भी अगर ये थोड़ी बड़ी हो जाती है, थोड़ा सा पैर हेल्दी हो जाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी बीच में मैं अपनी बेटी को बांधी थी ना तो खुल गया था, लेकिन फिर से मैं उसका बांध के फिर से ऐसे ही कर दी दोबारा से, जैसे अगरबत्ती। तो अभी मेरी बेटी का ये दूसरी बार बांधना पड़ा क्योंकि ये बीच में इसका खुल गया था। तो बहुत अच्छे से आपको मोमबत्ती अगरबत्ती किसी चीज़ से भी उसका जो प्लास्टिक या नायलॉन का होता है वो अच्छे से करना है, वैसे बीच बीच में आप नहाने वक्त इसको साफ़ कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बुरी नज़र से बचने का उपाय है जो मुझे लगता है हर किसी को करना चाहिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।